हुए उस दिल एंकरो, ये याद रखना ये मुस्लिम पसर अल्लाह बोर्ड है, यहां चाय नहीं पकौड़ा नहीं बेचा जाता है। हम चाय बेचने का धंधा नहीं करते, हम पकौड़ों की मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम मुस्तफा की सुन्नत पर जीना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। तुम ये समझते हो पूरी दुनिया की तारीख में इतनी तलाक दुनिया के लोगों ने अपनी बीवियों को नहीं दिया जितना एक साल में टेलीविजन के एंकरों ने भारत के पूरे समाज को तलाक दे दी। इन्हें तलाक के सिवा कुछ याद ही नहीं, बीवी का नाम भूल गए, बाप का नाम भूल गए, देश का नाम भूल गए, सब भूल गए, इनको सिर्फ तलाक याद रहा। अरे इस्लाम की एक बात का ये हाल है तो पूरा इस्लाम पेश हो जाएगा, तुम अपनी जिंदगियों को भूल जाओगे। हम ये बता देना भी चाहते हैं और चेतावनी भी दे देना चाहते हैं, ऐसा मत समझना हिंदुस्तान की हुकूमत बदलती है, कायनात का खुदा नहीं बदलता है। हम शरीयत पर इसलिए चलेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह का हुक्म है। हुकूमतों को सर्दी हो या नजला या जुकाम, शरीयत के एक इंच से मुसलमान पीछे हटने को तैयार नहीं है इंशाअल्लाह। ये अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मुसलमानों ने हिंदी यह जान ले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ है, तभी तो पार्लियामेंट में एक भी अकबर को छींका रही थी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई दम नहीं है तो पार्लियामेंट में ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से लेकर नौकरी करने वाले मंत्री एमजे अकबर तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ताबीज गले में क्यों लटकाए हुए थे? क्यों लटकाए हुए थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में किसकी सरकार रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम सिर्फ यह है कि कयामत तक जो मुसलमान जिंदा रहेगा वो मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत के साथ जिंदा रहेगा। इसके सिवा और कोई काम नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और इसीलिए साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कयादत पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको रहना है रहे, जिसको उतरना है उतर जाए। पैसेंजर के उतरने चढ़ने से ट्रेन का रूट बदला नहीं करता है। जिसको रहना है रहे, जिसे जाना है जाए। आज हम जिंदा है कल नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह का दीन रहता है और रहेगा इंशाअल्लाह। अजीजाने मिल्लत, आपको मैं इत्मीनान दिला दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कयादत ऐसे अल्लाह वाले और बुजुर्गों के हाथों में है जो रातों में रोते हैं तो चैन से हम लोग सोते हैं। ये वो कयादत है हमारी और ये अजीम तरीन कयादत अल्लाह वालों के हाथों में है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा रखिए। हुकूमत चाहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तोड़ दिया जाए। कुरान के टुकड़े नहीं हो सकते, हदीस के टुकड़े नहीं हो सकते, काबा के टुकड़े नहीं हो सकते, कलमा के टुकड़े नहीं हो सकते। इस्लाम की हिफाजत करने वाली जमात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी टुकड़ा कभी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। हिंदुस्तानी मुसलमानों, आप ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हम लोग इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे कहीं इंशाअल्लाह। और दूसरा वादा यह है, सिक्किम के डोकलाम की सरहद चाइनीज फोर्स से लेकर कश्मीर के बॉर्डर पाकिस्तान के आतंकवाद तक से अगर हिंदुस्तान को कभी खतरा हुआ तो मुसलमान हिंदुस्तान का अपनी जान देकर हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। हाजरीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी जुरत और ताकत के साथ बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा है, पूरी जुरत के साथ। रवि श्री श्री शंकर के साथ कितने ही जनाब 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 की सौदेबाजी हो जाए, याद रख लेना तुम सौदेबाजी कर थक सकते हो, हम मस्जिद के लिए दुआ करते करते कभी मार नहीं सकते।
हमें बाबरी मस्जिद वैसे ही चाहिए जैसे 22 दिसंबर 1949 से पहले नमाज पढ़ने की हालत में थी। अगर अदालत से मिल गई इंशाअल्लाह तो हम नमाज पढ़ेंगे, और नहीं मिलेगी तो हम सब्र करेंगे, मगर हम भारत का तिनका नहीं बर्बाद करेंगे, हम देश को तबाह नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर विश्वास नहीं रखती है। हमारा क्लियर कंसेप्ट और विजन यह है, हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी लड़ाई लोकतंत्र में रहते हुए डेमोक्रेटिक अंदाज में हम अपनी लड़ाई लड़ाई है। हम छिछोड़ों की तरह सड़कों को जाम नहीं, हम छिछोड़ों की तरह बसों पे पत्थर नहीं। हमारे हाथों से अपने तो अपने दुश्मन के बच्चों को भी जख्म नहीं लगेगी। मुसलमानों, हम उस रसूल की उम्मत हैं जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की बेटियों के सर पे भी चादर रखा था। हिंदुस्तानी मुसलमानों, हम जितना अपनी बेटी की हिफाजत करेंगे उतना ही देश में रहने वाली हिंदू भाइयों की बेटी की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप हमें इजाजत दीजिए। आप तो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, इल्जाम मुसलमान पर है और 80 साल का बूढ़ा आशाराम जेल जा रहे हैं। अपने घर की खबर लो, हम भारत के नागरिक हैं, हमें जितनी मुसलमान औरत से मोहब्बत है उतनी हिंदू औरतों से भी मोहब्बत है। मैं आज इस धरती पर खड़ा होकर भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन लो, और हम भारत में रहने वाली अपने हिंदू भाई बहनों की इज्जत की हिफाजत की मुतालबा करते हैं कि आश्रम के अंदर जो हिंदू बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है उन बहनों की हिफाजत की जाए, उनकी इज्जत बचाई जाए। यह भी हमारा मुतालबा इंसानी बुनियाद पर है कि मुसलमान औरत की भी इज्जत बचनी चाहिए और आश्रम में जाने वाली हिंदुओं की बहनों और बेटियों की भी इज्जत बचनी चाहिए। आज कहते सिर्फ पार्लियामेंट में बजट सेशन को खिताब करते हुए लोकसभा में महामहिम ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब सरकार का लिखा हुआ खुतबा पढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि हम चुनिया बेगम हैं? हम भाषा नहीं समझते हिंदी की, हम खुतबों की जबान नहीं समझते, हम मदरसे से पढ़े हुए मौलवी हैं, कम वोल्टेज के आदमी नहीं हैं। हमें छेड़ना नहीं आता है, कोई छेड़ दे तो खुदा की कसम फिर उसे छोड़ना भी नहीं आता है। आप ये ठीक नहीं कर रहे कि पार्लियामेंट से इस्लाम पर अटैक करवा रहे हैं। हुकूमत कान खोल कर सुन ले, इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाए हुए दीन का नाम है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा। यह आपका 1500 का नोट नहीं है कि जब चाह बदल दिया आपने, ये इस्लाम है। मौलवी भी नहीं बदल सकता इसको, मुफ्ती भी नहीं बदल सकता। हुकूमत की औकात क्या है? कौन होती है हुकूमत कि शरीयत के अंदर मुदाखलत करे? पार्लियामेंट में आप बिल ला रहे थे तलाक पर, बिल लाना आपका अधिकार है, लेकिन इतना अहंकार मत कीजिए कि इस्लाम पर बिल लाइएगा और इस्लाम के उलमा से बात नहीं कीजिएगा। देवबंदी फिरका, बरेलवी फिरका, जमात इस्लामी, शिया सुन्नी, भारत में मंसूब अल इस्लाम जितने फिरते हैं, आप इनसे बात नहीं करेंगे? इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? इस तरह से देश चलेगा? देश नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में है, ये मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं। इसलिए अजीजाने मिल्लत, मैं पूरी जुरियत और जुरत और बेबाकी के साथ अपने देश की चुनी हुई सरकार से दरखास्त करता हूं, भारत का एक नागरिक होने की हैसियत से विनती करता हूं, शरीफ इंसान होने की हैसियत से झुककर बात करता हूं कि सुन लीजिए, ना आप हमें छेड़िए ना हम आपको छेड़ेंगे। हिंदुस्तान को हम सब मिलकर बुलंदी पर ले चलते हैं, विकास पर ले चलते हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पर ले चलते हैं, जहां आप भी महफूज रहे, हम भी महफूज रहे, मस्जिद की अजान भी महफूज रहे, मंदिर की आरती भी महफूज रहे, हिंदू और मुसलमान मुस्कुराते हुए भाईचारगी के साथ रहे। और अजीजाने मिल्लत, और हमारा हिंदुस्तान चीन से ज्यादा मजबूत, सिंगापुर से ज्यादा स्ट्रांग और अमेरिका से ज्यादा पावरफुल बन जाए, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल की दुआएं और तमन्ना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पूरी दुनिया में इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह हिंदुस्तान में, भारत में अमन और शांति अता फरमाए, आतंकवाद का सत्यानाश हो जाए,
और भारत के हिंदू और मुसलमान प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें। यही कहता हुआ हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। हिंदुस्तानी मुसलमानों सलामत रहो, सलाम हो तुम पर कि तुमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भरोसा किया। अल्लाह इस जमात को कयामत तक बुरी नजरों से महफूज फरमाए और इस बोर्ड के कायदीन और बोर्ड के जिम्मेदारों पर और आप सब पर अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह हम सबको और आप सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम पर जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।